हेलो एवरीवन, आज हम फोनिक्स लर्निंग प्रोसेस के पहले वीडियो पर लेटर और साउंड पर फोकस करेंगे, क्योंकि फोनिक्स प्रोसेस लेटर और साउंड पर डिपेंड करता है और फोनिक्स हमेशा साउंड पर फोकस करता है। तो हम ये जानेंगे कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं और उसके क्या साउंड होते हैं, और फोनिक्स कैसे उस साउंड का इस्तेमाल करके बच्चों में रीडिंग और राइटिंग स्किल को डेवलप करता है। तो पहले बच्चे को हमें हमेशा साउंड सिखाना चाहिए, ना कि उसका फिजिकल नेम सिखाना चाहिए। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेते हो एप्पल का, उसमें अगर आप पी को देखो तो पहले आप उसको प बताओ, क्योंकि पी का साउंड है प, ना कि वह उस लेटर का फिजिकल नेम पी। तो इस तरह से बच्चा सारे लेटर्स के साउंड को सीख जाता है। तो फोनिक रीडिंग स्टार्ट करने के लिए ये बेसिक स्टेप्स तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को लेटर का साउंड याद होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहला सवाल ये आता है कि फोनिक साउंड होता क्या है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के नेम होते हैं ए बी सी डी, और लेटर्स के साउंड होते हैं अबाकडाबा। तो फोनिक्स हमेशा साउंड पर फोकस करता है और बच्चे की हेल्प करता है कि साउंड को एक साथ रख के वो कैसे जोड़ करके मीनिंगफुल वर्ड रीड कर सके। सो रीडिंग को स्टार्ट करने के लिए बच्चे को साउंड को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो फोनिक साउंड हमेशा चाइल्ड की मदद करता है वर्ड को वो इजीली रीड कर सके। तो फोनिक्स इन्वॉल्व्स मैचिंग द साउंड ऑफ स्पोकन इंग्लिश विद इंडिविजुअल लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर। तो कभी कभी बच्चे को एक दो प्रॉब्लम सामने आती है कि वो एक लेटर का जो साउंड, जैसे ये क है, क कैन बी स्पेल्ड एज सी, मतलब सी का साउंड भी क है, के का साउंड भी, अगर हम के लेटर को लें, क का साउंड को लें, तो सी का साउंड भी क है, के का साउंड भी क है, सी के अगर बैक पे देखें तो सी के को क बोलते हैं, बैक, तो क तो भी क इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और क्रोम में भी सी एच है जहाँ पे, वहाँ भी क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चा कंफ्यूज होने लगता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो शुरुआत में तो हमें अभी ये बात नहीं बतानी, बाद में बतानी है जब थ्री लेटर वर्ड्स ब्लेंडिंग का एंड हो जाएगा तब, क्योंकि शुरू में अगर हम कंफ्यूज कर देंगे बच्चे को तो वो एकदम से परेशान हो जाएगा, सीखना ही नहीं चाहेगा फिर। तो ये माइंड में रखना है आपको, बाद में बताना है बच्चे के लिए। तो टू स्टार्ट रीडिंग वर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड नीड टू लर्न ऑल द साउंड ऑफ लेटर्स। सारे साउंड को याद करना ज़रूरी है, जिसके थ्रू वो थ्री टू लेटर वर्ड्स और थ्री लेटर वर्ड्स को सीखेगा और स्मॉल वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखेगा। तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, जिसका अपना एक डिस्टिंक्ट साउंड, एक डिफरेंट साउंड होता है, जिसके थ्रू बच्चा टू लेटर वर्ड्स और थ्री लेटर वर्ड्स और बहुत सारे वर्ड्स, अगर बच्चा पिकअप अच्छा कर रहा है तो वो बना सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि लेटर के क्या क्या साउंड्स होते हैं। मैंने हर साउंड के आगे उसके हिंदी अक्षर को लिख दिया है ताकि उसको समझना इजी हो जाए। तो अगर आप देखेंगे किसी भी अल्फाबेटिकल चार्ट में, तो पहला जो पहला लेटर होता है वो उसका फिजिकल नेम बताता है ए, और जो अपर केस उसका फिजिकल नेम बताता है, और लोअर केस को हम इस लोअर केस को लोअर केस ही बोलते हैं, मगर इसका हम इस्तेमाल हम साउंड के जैसे कर सकते हैं, लाइक ए सेस ए, तो ए सेस ए, एंट, एलिगेटर, एरोप्लेन। तो अगर आपने देखा कि मैंने साउंड के थ्रू सारे पिक्चर को इंट्रोड्यूस किया, ना कि उसके फिजिकल नेम से, जो कि है ए। अगर हम ए से करेंगे तो वो एंट हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, एलिगेटर हो जाएगा, एरोप्लेन हो जाएगा, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग होगा। तो हम हमेशा शुरू से ही साउंड के थ्रू ही पढ़ते आ रहे थे, मगर हमें आज पता चल रहा है फोनिक्स में कि हम साउंड से पढ़ते हैं। उसी तरह से बी सेज ब, ब बॉल, ब बैट, ब बैग। सी सेज क, कैट, क कैप, क कप, क कार। डी सेज ड, ड डॉग, ड ड्रम, ड डोंकी। ई ए, ई ए,
वो ए था, ए, यह ए, 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 एग, एलिफेंट, ए, इंजन, एफ, फ, एफ, फ, फ, फायर, फ, फिश, फ, फ्लावर, जी, ग, जी, ग, ग, गन, ग, गोट, ग, गिफ्ट, एच, ह, हैट, ह, हट, ह, हैन, आई, ई, आई, ई, ई, इंक, ई, इग्लू, ई, इंसेक्ट्स, जे, ज, जे, ज, ज, जग, ज, जंगल, ज, जीप, के, क, काइट, क, कैंगरू, क, किंग, एल, ल, एल, ला, ल, लैंप, ल, लिड, ल, लीफ, एम, मा, मा, मैंगो, मा, मैन, मा, मून, मा, मॉप, एन, ना, ना, नेट, ना, निप, ना, नीडल, ना, नट्स, ओ, आ, ओ, आ, ओ, ऑरेंज, आ, ऑक्टोपस, आ, ऑस्ट्रिच, पी, प, प, पेन, प, पैरेट, प, पीकॉक, क्यू, क्वा, क्वा, क्विल, क्वा, क्वीन, क्वा, क्विल्ट, आर, र, रैट, र, रेनबो, र, रॉकेट, एस, सा, सा, स्नेल, सा, सिजर, सा, सन, टी, ट, ट, टोमेटो, ट, टाइगर, ट, ट्री, यू, अ, यू, अ, अम्ब्रेला, अ, अम्पायर, वी, व, वैन, व, वेजिटेबल्स, व, वायलन, डब्ल्यू, वह, 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 वॉच, वह, वाटर, वह, वॉटरमेलन, एक्स, 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 एक्सरे, एक्स, एक्स मिस्ट्री, वाई, य, योगर्ट, य, योक, जेड, ज़,
जिप, ज़ा, ज़ेब्रा। तो हमारे लेटर और उसके साउंड यहीं ख़त्म होते हैं। हमने ए टू जेड में देखा ए से लेके जेड तक क्या लेटर होते हैं, उनका क्या साउंड होता है। साउंड से रिलेटेड मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं, अभी स्पेलिंग्स नहीं इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि स्पेलिंग्स की टेक्निक्स हम दूसरे तरीके से सीखेंगे। तो अभी बच्चे को पिक्चर से याद कराइए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो ब्लेंडिंग ऑफ लेटर्स पे होगी, तो जिसमें मैं टू लेटर ब्लेंडिंग और थ्री लेटर ब्लेंडिंग को कवर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियोस मिल जाए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी नॉलेज मिली हो आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों से, ताकि उनके बच्चों को भी आसानी हो फोनिक्स समझने में, फोनिक्स सीखने में। थैंक यू सो मच।